नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम मक्के की खेत में कीट नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप हमारा पूरा मक्के का खेत देख सकते हैं, लग चुका है और पौधे करीब एक बित्ते के साइज का हो चुका है और कुछ पौधे जो है अधिक बड़े साइज के भी हो चुके हैं। तो इस अवस्था में जो कीटों का अटैक होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इल्ली कीटों का अटैक होता है मक्के की फसल में। शुरुआत में ही अगर इल्ली कीटों का अटैक होता है तो पौधे मर जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बीज के तने को काट दिया जाता है इल्ली कीटों के द्वारा। ये आप एक प्लांट, आप इसको देखिए किस तरह से इसको खींचेंगे तो ये बीज वाला हिस्सा तने को खा गया है, कीटों ने ख़त्म कर दिया है इसको। ये देखिए, ये समस्या बहुत दिक्कत करती है मक्के की फसल में। इल्ली कीट जो लगते हैं, तना छेदक इसको कहते हैं, अंदर का हिस्सा को इस काट देते हैं जिससे कि पौधे का विकास नहीं हो पाता है। ये आप देख सकते हैं इसका अंदर को पूरा खाली कर गया है। और भी जो पौधे हैं उसको, जो नई पत्तियां निकलती हैं उसको भी खाते रहता है जिससे कि पौधे का विकास रुक जाता है और बहुत सारे पौधों की नुकसान हो जाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट कीटनाशक के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस खेत में बहुत सारा प्रॉब्लम देख रहा है इल्ली कीटों का, तना छेदक का। ये तना छेदक जो है अंदर तक घुस गए हैं और पत्तियों को ख़त्म कर रहे हैं। और इसी के साइड में ये वाला खेत देखिए, यहाँ पर एक भी पौधा तना छेदक से प्रभावित नहीं है, सारे परफेक्ट प्लांट्स हैं यहाँ पर। इसके जो वजह है, जो कीटनाशक हमने छिड़काव की थी उसी के कारण ये पूरा खेत इतने साफ सुथरा है, इसमें कोई भी कीटों का अटैक अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ जो कीटनाशक हमने स्प्रे किया है इस खेत में, उसका मैं आपको बता दूं, ये वाला कीटनाशक हमने इस्तेमाल किया है, ये देख सकते हैं जोश B5, बहुत ही बेहतरीन है मक्के की फसल के लिए। ये आपको आधे लीटर जोश B5 जो है आपको मिलेगा करीब 1500 रुपये में, 1499 रुपये में। इसको आप आधा लीटर ले सकते हैं। नौ किसान कंपनी का है किसान भाइयों ये, और इसमें कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से यह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। कई सालों से हम इसमें इस दवा का स्प्रे हम लोग कर रहे हैं अपने खेतों में, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। एक बार छिड़काव के बाद ही पूरे मक्के के पौधे का जो कीटों का, इल्ली कीटों का जो प्रकोप है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। प्लस ये जो है पौधों के लिए पोषक तत्व का भी काम करता है, उसको ग्रोथ देता है। तो जो जिन किसान भाइयों के पास ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा जोश B5, इसी का छिड़काव करिएगा मक्के के खेतों में। करीब 75 रुपये आपको प्रति स्प्रे टैंक, 20 लीटर का स्प्रे टैंक का खर्च आएगा जब आप 25 ml प्रति 20 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे। तो यह पूरा प्रयोग किया हुआ नतीजा है। हम अपने अनुभव पर आधारित वीडियोस ही अपलोड करते हैं ताकि चैनल पर जो किसान भाई वीडियोस देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और इसलिए हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। अब बात करते हैं अगर किसी किसान भाइयों को ये वाली कीटनाशक नहीं मिल पा रही है तब क्या करेंगे। तब की स्थिति में आप लोग ये वाला ले सकते हैं फिप्रोनिल 5% SC, लेकिन इसका असर थोड़ा सा कम होगा इसके तुलना में। ये फिप्रोनिल 5% SC जो रिजेंट के नाम से भी आता है और 1 लीटर 900 रुपये में मिल जाएगा इफ़ो बाज़ार से ऑर्डर करेंगे तो इस दवा से कम काम करता है। लेकिन अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो आप इसका छिड़काव करिए, और दोनों के साथ में आप जो है चिपकू ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि अभी मक्के के पत्ते हैं इसमें चिपकू डाल करके ही हमें दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ताकि इसमें अच्छे से पत्तों में दवाइयाँ चिपक जाएं। तो हमारे पास जो कीटनाशक है मक्के में इल्ली कीट कंट्रोल करने के लिए, ये दो कीटनाशक हैं, दोनों में से किसी एक का आप छिड़काव करिए, आपको अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कह चुका है कि ये वाला सबसे बेस्ट है, ये आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप लोग को क्षेत्र में मिल जाए। इसका कोई कांटेक्ट नंबर होगा तो मैं इसको दे दूंगा वीडियो में, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी अपने राज्यों में इसका डीलरशिप
ले सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है, विश्वसनीय प्रोडक्ट है जोश B5 नाव किसान कंपनी का। तो किसान भाइयों, मिलते हैं और भी अच्छी जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।